दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज चलाई है जो कि एक मॉक टेस्ट की तरह है, ये उस सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और साथ के साथ आपको बता दूं कि मैं डेली हर वीडियो का ना PDF प्रोवाइड करवाता हूं अपने टेलीग्राम अकाउंट से, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पहले तो प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना है टेलीग्राम, उसके बाद उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली मेरा पेज खुल जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको तमाम सारे PDF मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी एक चीज और शिकायत आई आप सभी की कि बोले सर हमारे को वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा, कि मतलब आप अपलोड ही नहीं कर रहे डेली। तो मैंने 4-5 दिन से, मतलब ये 5वां वीडियो है, तो कंटिन्यू कर रहा हूं दिन को 2 बजे डेली। आप ऐसा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है। चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे साथ के साथ आपको बेल आइकन दिखाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तब जाके आपको डेली नोटिफिकेशन आएगी 2 बजे। और जब भी मैं कोई भी, क्योंकि मैं फालतू के वीडियो तो अपलोड करता नहीं हूं PSD पे, HP के एग्जाम के रिगार्डिंग ही करता हूं, तो बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाकी मैं टारगेट करूंगा आप सभी के लिए, आपको पूरा करना है वो टारगेट कि कल तक इसमें 200 लाइक आप पूरे करवा देंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए टेस्ट सीरीज। आप इनके ऐप में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, अगर आप वहां से किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा वहां पे PSDHP50। तो इस कोड को लगा के आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन MS Excel 2010 चार्ट ग्रुप्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम। MS Excel 2010 में चार्ट ग्रुप्स को यहां से एक्सेस किया जा सकता है, कहां से? व्यू टैब से, इंसर्ट टैब से, होम टैब से या फिर पेज लेआउट टैब से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 2007 में प्रत्येक सेल में कितने करेक्टर एंटर किए जा सकते हैं? इन MS Excel 2007 अप टू हाउ मेनी करेक्टर्स कैन बी एंटर्ड इन ईच सेल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 32,767। इन MS Excel 2010 टू प्रोटेक्ट और शेयर ए वर्कबुक विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कैन बी एक्सेस्ड? MS Excel 2010 में एक वर्कबुक को प्रोटेक्ट या शेयर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टैब को एक्सेस किया जा सकता है? व्यू टैब, रिव्यू टैब, फाइल टैब या फिर पेज लेआउट टैब? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रिव्यू टैब। इन MS Excel 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हाईलाइट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू वैल्यूज दैट यू कैन स्पेसिफाई? MS Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन सेल्स को हाईलाइट करेगा जो आपके द्वारा निर्दिष्ट किए गए मानों से अधिक, कम, बीच के बराबर है? टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, हाईलाइट सेल्स रूल्स, कलर स्केल्स? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा, बाकी जिसको जिसका वो लैंग्वेज नहीं होगा वो खुद पढ़ ले, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा टाइम लगेगा आपका, ठीक है। MS Excel 2010 में एक Excel 2010 टेम्पलेट फाइल के लिए एक्सटेंशन है .xltm, .xltm, .tx, .xlsm, .xlsx? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है .xltx, ठीक है। MS Word 2007 क्विक टेबल्स में एक बिल्ट इन ऑप्शन अंतर्निहित विकल्प है जिसे इस प्रकार जाना जाता है, इक्वेशन टेबल, मैट्रिक्स टेबल, फार्मूला टेबल, कैलेंडर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैलेंडर, ठीक है। MS Word 2010 में एक परफॉर्मेंस को रिपीट रीडू करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी है, कौन सी कुंजी है? कंट्रोल आर, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई या फिर अल्ट और आर? अल्ट और आर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल और वाई, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइटर कलर में निम्नलिखित में से कौन सा रंग उपलब्ध नहीं है? गहरा पीला, डार्क येलो, ब्लैक, बैंगनी, वायलेट या फिर ऑरेंज? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑरेंज, ऑरेंज अवेलेबल नहीं है टेक्स्ट हाईलाइट कलर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है? फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, थंबनेल व्यू, प्रिंट लेआउट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है थंबनेल व्यू, ठीक है। MS Word 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल, मर्ज सेल्स या फिर मर्ज टेबल्स? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मर्ज टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है? कीबोर्ड, मॉडल, प्रिंटर, जॉयस्टिक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मॉडेम, ठीक है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, मॉडेम, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव, माउस, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर सीडी ड्राइव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है माउस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। कौन सा विधेयक भारत की संचित निधि से धन निकासी का अधिकार देता है? मनी बिल, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल या फिर फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रोप्रिएशन बिल, जो भारत की संचित निधि से धन निकासी का अधिकार देता है। एमएस वर्ड 2007 में A4 शीट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8.27 मल्टीप्लाई 12.69। एमएस वर्ड 2007 में एक्शन कंट्रोल प्लस बी टेक्स्ट को डैश डैश बना देता है, बोल्ड, जूम, क्लियर या फिर इटैलिक? इस शॉर्टकट की से कंट्रोल बी से क्या होता है जिस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोल्ड हो जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां प्रदान करती है ताकि वे स्वयं शासनों के रूप में कार्य कर सके? अनुच्छेद 243G, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 343। आपको एक चीज़ बता दूं कि पंचायत किसे कॉन्स्टिट्यूशनली एक क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसा बहुत डीप टॉपिक है, क्योंकि इसको हर कोई खंगालता नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम लोग छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि डीप पूछता है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 243G। किसने अवलोकन किया कि भारतीय संविधान के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अंबेडकर या फिर K.M. मुंशी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन होते हैं या हैं इस समय भी? प्रधानमंत्री, विपक्ष के सदस्य, शासक दल के सदस्य, कैबिनेट सचिव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विपक्ष के सदस्य, जो ये होती है क्या नाम, लोकलेखा समिति, उसके अध्यक्ष होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यसभा के सभापति? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष। विटामिन डी डैश डैश के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम या फिर आयरन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें कहा जाता है, रसोपोषी, स्वपोषक, फोटोहेट्रोट्रॉप्स या फिर परपोषी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटोट्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है, सल्फर, लोहा, आयोडीन या फिर पोटेशियम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयोडीन। पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए डैश डैश की आवश्यकता होती है, बोरॉन, आयोडीन, मैग्नीशियम या फिर सोडियम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, दादाभाई नायडू जी, C.Y. मुदलियार, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दादाभाई नायडू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको। ईरान की मुद्रा क्या है दोस्तों, रनमिनबी, रियाल, रूबल या फिर दिनार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रियाल। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, KC नियोगी, महावीर त्यागी, K संथानम या फिर YB चौहान? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है KC नियोगी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है, इंदौर, ग्वालियर, मांडू या फिर अमरकंटक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर में। हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेज देती है, समताप मंडल, क्षोभंत, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आयन मंडल। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं, प्लैनेट नेपच्यून हैज डैश डैश नॉन मून्स, कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 13।